बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी इस वक्त हमारे साथ हैं। जेडीयू में जिस तरीके से राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, अब खुद मुख्यमंत्री जो हैं अब जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं? उससे क्या फर्क पड़ने वाला जी, चाहे ललन सिंह बने अध्यक्ष या नीतीश कुमार बने, बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और नीतीश जी कोई पहली बार तो बन नहीं रहे, उसके पहले भी तो बन चुके हैं जी। और आज हालत ये नीतीश कुमार की कि बिहार में 44 एमएलए पर सिमट गए, तो जिस व्यक्ति की या जिस पार्टी की बिहार में केवल 44 एमएलए हो और सपना देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बनने का, और इंडिया गठबंधन की बैठक को कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, न तो ललन जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया, न तेजस्वी यादव ने, न लालू प्रसाद यादव ने। तो इसलिए देखिए, इंडिया गठबंधन का कोई नरेंद्र मोदी का इंडी गठबंधन मुकाबला नहीं कर सकता है। ये एक ये ललन सिंह का जो कल मुख्यमंत्री के साथ आए, अलग ही बॉडी लैंग्वेज दिखा सुशील मोदी जी, और लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पार्टी के पहले भी शीर्ष नेतृत्व रहे, सर्वमान नेता रहे, तो पार्टी जो अब मजबूत होगी जेडीयू। नहीं, इसका मतलब है कि ललन जी जब थे तो पार्टी कमजोर हो रही थी, तो क्या नीतीश जी ये मैसेज देना चाह रहे कि ललन जी जब थे तो पार्टी कमजोर हो रही थी इसलिए उन्होंने उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली? अंदर की बात तो ये है कि ललन जी लालू यादव के साथ मिलकर जदयू को तोड़कर और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और जब इसकी भनक लगी नीतीश कुमार को तो उन्होंने समय से पहले तख्ता पलट दिया और सारी बागडोर जो है पार्टी के अपने हाथ में ले लिया। अक्सर पत्रकारों के सवाल पे भड़क जाते हैं ललन सिंह इन दिनों। नहीं, अब देखिये, अब ललन जी पर बात करने का कोई मतलब नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं उनके नाम पर या उनके बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो हम लोग उन पर बोला करते थे, अब तो बेचारे कहीं नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, तो इसलिए वो भड़के कि न भड़के, मुकदमा करें कि न करें, ये उनका काम है, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक आखिरी सवाल लेंगे, नीतीश कुमार का जो है रैली होने वाला है अलग राज्यों में, उसको लेकर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब जनसभा करेंगे, रैलियां करेंगे। जब बिहार में आदमी नहीं जुट पा रहा तो हरियाणा में कहां से आदमी जुटेगा जी? बनारस में इसलिए रैली स्थगित कर दिया कि आदमी नहीं जुट पा रहा था, तो वही हाल उनका झारखंड में होगा। कौन पूछता नीतीश कुमार को? अरे, क्षेत्रीय नेता अपने राज्य तक सीमित होते हैं। ममता बनर्जी को बिहार में कौन पहचानता है, या लालू यादव को यूपी में कौन पहचानता है, नीतीश कुमार को बिहार के बाहर कौन पहचानता है? तो क्षेत्रीय पार्टियों का जो दायरा है वो अपने राज्य तक सीमित रहता, राज्य के बाहर उनका कोई अता पता नहीं। नीतीश कुमार नाराज है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव जो रखा गया है। तो ये बात कर रहे थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से जेडीयू में जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार बने, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, परिषद की बैठक हुई, उसके बाद नीतीश कुमार पार्टी का कमान संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हैं, इसको लेकर सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह पहले से ही लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं उनके साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, पार्टी में फूट करने के काम कर रहे थे, अब ललन सिंह का कोई औचित्य नहीं है, ललन सिंह पर अब बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लेकिन अब उस पद से भी हटाए गए हैं। नीतीश कुमार के आने वाले समय में बहुत सारी जो है रैलियां होनी है हरियाणा में, यूपी में, उसको लेकर भी सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में उनकी रैली में जो है लोग जुटते ही नहीं है, और अन्य राज्यों में जो रैली करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल पटना से अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए, और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।